हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय। सो अपकमिंग मराठी मूवीज़ के और एक एपिसोड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं दिग्पाल लांजेकर की अपकमिंग मराठी फिल्म के साथ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दिग्पाल लांजेकर अब उनके बेटे यानी कि संभाजी राजे पर भी फिल्म बनाने वाले। अब ये फिल्म उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को कवर नहीं करने वाली, इनफैक्ट वन ऑफ द अचीवमेंट को कवर करने वाले। अब दिग्पाल लांजेकर संभाजी राजे के कौन से लाइफ इवेंट को कवर करने वाले, ये जानने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। एंड सिमिलरली संभाजी राजे पर बॉलीवुड मराठी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस फिल्म मेकर लक्ष्मण उतेकर भी काम कर रहे हैं एंड उस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है छावा, जिसमें उन्होंने विकी कौशल को कास्ट किया है। सो लालबाग की रानी, मिमी, जरा हटके जरा बचके एंड लुका छुपी जैसे फिल्में बनाने के बाद अब वो हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है एंड बिना किसी लुक टेस्ट के उन्होंने विकी कौशल को कास्ट किया है। मतलब ट्रस्ट वैली देखो बंदे की। अब एक्टिंग एंड लुक वाइज विकी कौशल संभाजी राजे के रोल को 100% जस्टिस देने वाले एंड इसकी शुरुआत उन्होंने ऑलरेडी कर दी है। अब तानाजी की तरह मैं चाहता हूं कि लक्ष्मण उतेकर अपनी इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ मराठी लैंग्वेज में भी रिलीज करे ताकि ये महाराष्ट्र के टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज की ऑडियंस तक पहुंच पाए। महाराष्ट्र की हास्य जत्रा फिल्म प्रियदर्शन इंदलकर ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की एक हिंट दी है, जहां पे संतोष जुवेकर एंड प्रियदर्शन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है एंड इस फोटो को लेकर सिर्फ बोला है कि आप ही गेस करो। अब एग्जैक्टली इस फिल्म का नाम क्या होने वाला है एंड इस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, नो आइडिया। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 2023 में रितिका श्रोत्री बॉयज 4 में तो नजर आने ही वाली है, बट उसी की फिल्म के साथ इन्होंने और एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है लंडन मिसर। आता मराठीत मला ते चित्रपट रितिका सोबत फिल्टर पाडाचा गौरव मोरे, भरत जाधव आणि ऋतुजा भागवे सुद्धा असणार आहे आणि या सिनेमाचं नाव आहे लंडन मिसळ। तर टायटल ऐकूनच समजून जा की हा चित्रपट सुद्धा लंडनमध्ये शूट झाला असेल असं वाटत आहे की 80% मराठी सिनेमाची शूटिंग लंडनलाच होते। म्हणजे हे चांगलं आहे, साऊथ इंडस्ट्रीवाले महाराष्ट्रात आले आणि आपले मराठी लोक लंडनला पळाले। निखिल साने यांनी की जिओ स्टुडिओज प्लस सुबोध भाविका भी कोलॅबोरेशन प्रोजेक्ट आने वाला जिसका नाम है मान अपमान। अब इस फिल्म का सिर्फ मोशन पोस्टर आया है, अब तक इस फिल्म को लेके और कुछ भी फर्दर अपडेट्स नहीं है, बट डेफिनेटली एक म्यूजिकल ड्रामा होने वाला ऐसा मुझे लग रहा है। DAV प्रोडक्शन करके मूवी स्टूडियो जिन्होंने लास्ट दिग्पाल लांजेकर के फर्स्ट को प्रोड्यूस किया था एंड सिमिलरली अभी और एक हिस्टोरिकल फिल्म लेके आने वाले जिसका नाम है दरिया सारंग। अब तक दरिया सारंग का सिर्फ एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, उसके अलावा और कोई भी डिटेल्स मेकर ने रिवील नहीं की। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर ने प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही फिल्म की पूरी कास्ट एंड टेक्निकल टीम एंड क्रिएटिव टीम को इंट्रोड्यूस करने वाले, बट कुछ भी नहीं किया। दरिया सारंग के छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी कमांडर यानी कि सरखेल कान्होजी आंगरे की लाइफ पर बेस्ड है एंड इनकी लाइफ पर अब तक किसी भी फिल्म मेकर ने फिल्म नहीं बनाई एंड शायद यही एडवांटेज मेकर्स को मिल सकता है। पिछले कुछ सालों में मराठी हिस्टोरिकल फिल्मों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है एंड इसी के बीच अगर इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होती है तब जाके ये ऑडियंस को अच्छी लगेगी। वैसे आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।